आज हम रो रहे हैं मैडम, कल किसी का माँ और रोएगी, कल किसी का और माँ नहीं रोना चाहिए। उन लोग का फांसी का सजा दीजिए। जो शिक्षा मंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, राज्यपाल है, सबसे विनती करते हैं, सबसे विनती करते हैं, मेरा बेटा को जैसे मार दिया वैसे सजा दीजिए, वैसे सजा दीजिए। वहाँ का पोस्टमार्टम जो हुआ ना, उसका रिपोर्ट नहीं दिए वो लोग, उसका बेल्ट नहीं दिया जो फांसी लटकाया था, वो उसका जो प्रिंसिपल था वो ऐसे करके लूटे, उसका भी वीडियो, और बोला सुसाइड किया हुआ, सब में सुसाइड, सब में साइन कराइए, साइन कराइए, ऐसे करके वो डरे साइन कर दिया। मेरा लड़का, बड़ा लड़का, हम लोग यहाँ से कैसे जाने सकेंगे, अब तो दुख का दही हो गया, मेरा कमर टूट गया और हम कहाँ जाने सकते, कौन देगा मेरा, कौन देगा बताइए। और मेरा बेटा वह जो 200 दिन नहीं हुआ, वो लोग हत्या करके भेज दिए, पहले ड्रग या कुछ सुंघा दिया तो इंजेक्शन दे दिए और फिर उसको बेल्ट से बांध दिए। कोई प्रशासन एक्शन नहीं लिया, बोला तुम जितना जल्दी बॉडी लेके जाता है चले जाओ। देखिए यहाँ अपने बेटे की शव के साथ, बेटे की लाश के साथ माँ है, ये समीर की माँ है, इन समझते हैं क्या हुआ था उस दिन, अभी तक अब क्या मांग है, कुछ बता सकते हैं? देखिए सोमवार को मेरा बेटा कॉल किया, ऐसे डेली बात होता था, सोमवार को 7 बजे कॉल किया, बोला मम्मी हम खाना खाने जा रहे हैं, हमको वार्डन का ड्यूटी दिया है। हम बोले अच्छा बेटा जा, तुम खाना खा लो और जाओ, तो वो चला गया खाना खाने। फिर 10:30 बजे हमको कॉल किया, हम सोचे खाना खा के आएगा अभी, तब फिर 10:30 बजे हमको कॉल किया, तब तक ले हम लोग इसके पापा सो गए थे, और कॉल आया उसी का मोबाइल में, तब बोला मम्मी पापा सो गया क्या? हम बोले हाँ बेटा सो गया, हम जागले हैं बोलो। फिर बोला मम्मी हमने वार्डन का ड्यूटी मिला था, हम करके आ गए, तो हम सोचे रे वार्डन क्या होता है, तुम क्या काम करके आया? नहीं मम्मी हम 60 को लड़का को हाजिरी बना के आए। हाँ तो फिर बोले तो तुमको हाजिरी बनाया तुमको कैसा लगा? फिर बोला मम्मी हमको ना अच्छा नहीं लगा। फिर हम बोले अरे तुमको अच्छा नहीं लगा तुम काहे गए? अरे फिर बोला नहीं मम्मी अब हम कल से नहीं जाएंगे, हमको बोला कि तुम 1-2 दिन करके देखो। हाँ उसका जो प्रिंसिपल है वो बोले, और उसका दोस्त भी वो वहीं का है, तो वहीं वो भी यही काम करता था, बोला करके देखो ना। और पता नहीं वो लोग का प्लानिंग था न किया था, जैसे 60 का लिया एस्टिनर, और उसके बाद ने मेरा बेटा को राते को मर्डर कर दिए, मर्डर करके और छोटा सा ये है ले बेल्ट है, उस बेल्ट में ऐसे करके मेरा बेटा है, अरे ऐसे बांध दिया कुर उसका बेड में, बेड में कोई सुसाइड कर सकता है बोलिए। और उसके बाद 9 बजे फोन आया, आपका बेटा का सीरियस है आपका बेटा। हम लोग बोले कैसे क्या हुआ? ने हार्ट अटैक हुआ। फिर थोड़ा देर बाद बोला कि नहीं शिवराज से हॉस्पिटल में आए, फिर बोला डेट हो गया से अपने से सुसाइड कर लिया। तो हम लोग चौंका गए, जैसा तो नहीं कर सकता है मेरा बेटा, वैसा कुछ बात नहीं है। यहाँ रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में करता था प्रोफेसर, आज 3 साल हो गया। अरे यहाँ से 10 अगस्त को इस्तीफा दिया था, और वहाँ जो अपने पीएचडी के लिए नाम एडमिशन किया था, उसका जो प्रिंसिपल थी मैडम, वो प्रेशर दे रही थी समीर तुम यहाँ आ जाओ, तुमको यहाँ जॉब देंगे, समीर तुमको यहाँ जॉब देंगे। तब वो सोचा सही बात कर रही तो चल जाएंगे, उसको 1-2 महीने में जाना पड़ता था, एथी एरोप्लेन से जाता था, 2 बार गया था। हम लोग बेटा आना जाना करके ही करो, तुमको यही ठीक है, हम ऐसे बोले। बोले नहीं मम्मी वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, हाँ से वहाँ रहेंगे 1-1.5 साल लगेगा, फिर हम लोग आ जाएंगे और फिर हम आते जीते रहेंगे, ऐसे कर बोला। जब उस दिन शाम को जब वार्डन का डिप्टी मिला, तब वो ना जाने क्या देखा ने क्या सुना उस लोग के बारे में, वो लोग रातें भर में मर्डर कर दिया। सुबह खबर भेज दिया, लेकिन मेरा बेटा वैसा नहीं है जो अपने से मर्डर करे। उस वार्डन को आप लोग एक्शन लीजिए, ऊपर प्रिंसिपल को,
वही बार बार कॉल करके बुलाए और इतना अच्छा बात करते थे, बुलाइए ना समीर, आइए ना, यही आपको जॉब देंगे, यही आपको कल ही जॉब दे रहे हैं, कल ही आपको जॉइनिंग है, इस तरह से बोल रहे हैं। एक महीना भी नहीं हुआ था। 20 दिन हुआ है मैडम, 20 दिन, 20 दिन में मेरा बेटा सुसाइड करेगा। 3 साल रहा है अच्छा शक्ति विद्यालय, आज मेरा बेटा अच्छा नहीं रहता तो इतना लोग जमा नहीं होते, इतना लोग नहीं आते। और हम लोग ऐसा फैमिली नहीं है, मेरा 4 गो बच्चा है, 4ों को पढ़ाए, 2 गो क्रिमिनोलॉजी था, 1 गो इंजीनियर है, 1 गो कृषि विज्ञान है। वो यहाँ का लोग यहाँ उषा मार्ट से जाते हैं, मेरा छोटा लड़का एग्रीकल्चर है, वो वही ट्रेनिंग देता है, बच्चा लोग 200 बच्चा जाता है वहाँ पर। हम लोग ऐसा परिवार नहीं है, बेटा सबको प्रेशर देते हैं, कोई चीज़ का तकलीफ नहीं है। इसी तरह वो लोग को बुलाए और वहाँ का लोग जो जो वहाँ का मुख्यमंत्री है उसी का भाई का कॉलेज है कोयम्बटूर में, कॉलेज उसी का, थाना उसी का, हॉस्पिटल उसी का, पुलिस उसी का, कोई प्रशासन एक्शन नहीं लिया, बोला तुम जितना जल्दी बॉडी लेके जाता है चले जाओ। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ कुछ नहीं। एक बात और बताते हैं, देखिए ये सिंदूर है, ये रोली है, रोली का टीका लगाता था मेरा बेटा डेली टीका, वो 2 दिन गया, 3रा दिन में वो लोग बंद करा दिए टीका लगाने, अरे चंदन उंदन सब फेंकवा दिए, रखवा दिए, देखिए सब कुछ रखवा दिए डस्टबिन में, देखिए चंदन एक को लाटा, एगो को निकाला है एगो, और उसके बाद तुमको क्रिश्चियन बनना है, क्रिश्चियन लोग ऐसा नहीं करते हैं, टीका लगा के मत आइए ऐसे बोला। हम लोग सोचे मजाक कर रहा है, उतना सीरियसली हम नहीं लिए। उसके बाद में जब जो टीका लगाते हैं ना, जो जो कॉलेज का मालिक है उसका बेटा शायद किसी को सजा दे देते, वही मेरा बेटा का सजा दे दिए, सजा दे दिए। यहाँ का राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, सबको हम कहते हैं आप लोग एक्शन लीजिए। आज हम रो रहे हैं मैडम, कल किसी का माँ और रोएगी, कल किसी का और माँ नहीं रोना चाहिए, वो लोग का फांसी का सजा दीजिए। मेरा बेटा अभी 60 साल जॉब करता, 60 साल में मेरा माँ बाप को कितना खिलाता पिलाता, उसका भरण पोषण कौन करेगा, वो बेटा का टोकार कौन देगा, मेरा कौन देगा बताइए। और मेरा बेटा वह जो 200 दिन नहीं हुआ वो लोग हत्या करके भेज दिए, पहले ड्रग या कुछ सुंघा दिया तो इंजेक्शन दे दिए और फिर उसको बेल्ट से बांध दिए। वहाँ का पोस्टमार्टम जो हुआ ना उसका रिपोर्ट नहीं दिए वो लोग, उसका बेल्ट नहीं दिया, जो फांसी लटकाया था वो उसका जो प्रिंसिपल था वो ऐसे करके लूटे, उसका भी वीडियो मेरा बेटा रखा, मेरा बड़ा लड़का गया था लाने के लिए। और जब वो वहाँ रिपोर्ट लिखवाने, सब अपना तमिल में लिखा है, तमिल हम लोग इधर का कोई पढ़ सकेगा बताइए, और बोला सुसाइड किया हुआ, सब में सुसाइड, सब में साइन कराइए ऐसे करके वो डरे साइन कर दिया। मेरा लड़का बड़ा लड़का, हम लोग यहाँ से कैसे जाने सकेंगे, अब तो दुख का दही हो गया, मेरा कमर टूट गया और हम कहाँ जाने सके, मोबाइल नहीं दिया, लैपटॉप नहीं दिया और बेल्ट, ये 3 वो चीज़ नहीं दिया, 3ों प्रमाण नहीं दिया। आप लोग लड़िए, पूरा मीडिया वाला कौन बोलते हैं, लड़िए आप लोग, जिस तरह झारखंड का बेटा का मर्डर कर दिया वैसी तरह वो सब का, वहाँ तमिल का बेटा सबको मर्डर कर दीजिए, वो लोग की भी फांसी का सजा दे दीजिए, मेरा सामने दीजिए, यहाँ झारखंड में ला के दीजिए, झारखंड में ला के दीजिए, मेरा इतने रिक्वेस्ट है। मीडिया वाला से हम इतने बोलते हैं, राज्यपाल से इतने कह रहे हैं, जिस तरह मेरा बेटा का सजा दिया उसी तरह आप लोग दे दीजिए। सब मीडिया वाला का बोलते हैं, यहाँ जो शिक्षा मंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, राज्यपाल है, सबसे विनती करते हैं, सबसे विनती करते हैं, मेरा बेटा को जैसे मार दिया वैसे सजा दीजिए, वैसे सजा दीजिए।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.